পশ্চিম বঙ্গে সবাই আমাদের লোক ইলেকশনে লোকতন্ত্র একটা স্ট্রাকচারের মাধ্যমে থেকে সোনার বাংলা করবে এটা আমাদের বিশ্বাস যুবাও কি জব কে বারে মে কিয়া কে দুর্ভাগ্য হ্যায় কি প্রতিভাশালী যুবা প্রতিভাশালী যুবতিয়া और गरीब परिवार कल्याण की दृष्टि से अपेक्षा करते हैं अपने प्रदेश की सरकार का, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता जी ने विकास को जानबूझकर उस गरीब नागरिक से दूर रखा जो टीएमसी का हिस्सा नहीं है। इसीलिए आज मैंने मंच पर कहा, जेखा ने दूर नीति उखाने टीएमसी ये हमारा पूर्ण विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन पश्चिम बंगाल में भय मुक्त इलेक्शन करवाने में उनका सामर्थ्य है। और जैसा कि आज मंच से भी आपने सुना, पश्चिम बंगाल की जनता ने ये प्रण कर लिया है कि चुपचाप पद्दुछाप ये भारतीय जनता पार्टी की सभा में लोगों को आने से रोकना, ममता जी अगर सोचती हैं उनके राजनीतिक महत्व को बढ़ाता है, तो इसका जवाब जनता स्वयं वोटर्स की लाइन में खड़े होकर भाजपा के पक्ष में वोट देकर अपनी ताकत का अंदाजा टीएमसी के नेतृत्व को आने वाले चुनाव में करवा देगी। बंगाल में एक तरफ गरीब युवा कठिनाइयों से जूझता हुआ इस उम्मीद में था कि उसका उत्थान होगा, लेकिन अगर किसी युवा का उत्थान हुआ तो उसका जो ममता बनर्जी के परिवार से संबंधित है। इसलिए आज बंगाल का नौजवान भी आक्रोशित है और बंगाल के नौजवान को इस बात का पूरा परिचय है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बंगाल के नौजवानों को एक विकास की नई सुबह के साथ प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त करेगी। इस विश्वास के साथ आज भारी संख्या में नौजवान भी भारतीय जनता पार्टी की सभा में उपस्थित।